हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनसीईआरटी रीजन। सो आज के इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि जो जेई मेन का रिवीजन कंटेस्ट चल रहा है अभी, जेई मेन अप्रैल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें क्विक रिवीजन के लिए ये नोट बनाया जा रहा है आपको। और आई होप कि ये आप जो स्टूडेंट इस बार अप्रैल एग्जाम में एग्जाम दे रहे हैं जेई मेन का, मोस्ट प्रोबेबली जो एडवांस एग्जाम भी लिखेंगे उनके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कोई भी जेई मेन हो चाहे जेई एडवांस हो, तो आपको उसमें जो बेसिक कंसेप्ट है और जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, और उसी के बेसिस पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो वंस यू हैव द नॉलेज ऑफ दैट फॉर्मूला एंड देन बेसिक कंसेप्ट, फंडामेंटल कंसेप्ट, देन ओनली प्रैक्टिस यू हैव टू डू इज। सो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट आपको जानना चाहिए जे मेन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्विक रिकैप हम लोग उसको इस टॉपिक में करेंगे। तो सबसे पहले जो थर्मल प्रॉपर्टीज है उसमें आपको हीट के बारे में जानना है, हीट क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हीट जो है वो सबसे पहला टॉपिक इसमें आपका हीट है। तो हीट जो है ये आपको फॉर्म ऑफ एनर्जी, या हम ये कह सकते हैं कि इट इज काइंड ऑफ एनर्जी, जो मेनली हीट हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं टेम्परेचर डिफरेंस के बेसिस पे। और एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी ट्रांसफर होगा आपको वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होगा। सो एक तरह से ये एनर्जी है आपको, इट इज द एनर्जी व्हिच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू ए कोल्ड। और इसके पीछे का रीजन क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस। सो हॉट ऑब्जेक्ट टू ए कोल्ड ऑब्जेक्ट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो यही है आपका हीट, इसी को आप लोग जो है एक तरह से समझिए कि ये एनर्जी है जो कि हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट टेम्परेचर डिफरेंस के कारण से आपको ट्रांसफर होगा। तो हीट नॉर्मली हम लोग हमेशा ये चीज दिमाग में रखेंगे कि हीट जो है वो एनर्जी, दैट इज द मेन थिंग। नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यहाँ पे ये जो है जीरोथ लॉ जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम एक वर्ड यूज होगा जिसको आपको पता होना चाहिए व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जीरोथ लॉ इज ऑल अबाउट थर्मल इक्विलिब्रियम ओनली। हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस जीरोथ लॉ इज जस्ट लेट्स से दिस। सो दिस इज, वी कैन से दैट इफ ए बॉडी इफ ए बॉडी ए, मान लिए हम कि ए है, इज सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी बी। तो अगर ए बॉडी बी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और उसी तरीके से अगर हम मान ले कि बी जो है ए जो है सी से भी है थर्मल इक्विलिब्रियम में, ए इज सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी, तो इसका मतलब ये होगा कि बी और सी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। इंप्लाइज वी कैन से बी एंड सी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। सो यही है आपका जीरोथ लॉ, और जीरोथ लॉ के जो मेनली कॉन्सेप्ट है वो थर्मल इक्विलिब्रियम बेस्ड ही है कॉन्सेप्ट, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी हैव टेम्परेचर टू अंडरस्टैंड। तो टेम्परेचर जो टर्म है ये आप जानते हैं कि टेम्परेचर मेनली हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। टेम्परेचर कोई भी ऑब्जेक्ट का जो हॉटनेस है या कोल्डनेस है उसके बेसिस पे हम लोग करते हैं। सो इट इज अ मेजर मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
और टेम्परेचर मेनली दो बॉडी का हम लोग अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में देखते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो वहां पे हम लोग ये चीज बोले थे अभी कि जो इससे सॉरी हीट को जो हम लोग डिफाइन किए थे, तो उसमें ये जो हॉट से कोल्ड आपका हीट या एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है उसके पीछे का रीजन क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हम लोग कैसे मेजर करेंगे, ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आप हॉटनेस और कोल्डनेस के बेसिस पे हम लोग टेम्परेचर को मेजर करेंगे। दैट इज द अगर हम बोले जो कोई बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब उनका टेम्परेचर सेम होगा, दैट इज ओनली मीनिंग। सो थर्मल इक्विलिब्रियम जब भी बोला जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम इसका मतलब होगा सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर। नाउ वी हैव थर्मल एक्सपेंशन टू अंडरस्टैंड, लेट्स सी दिस थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में थर्मल एक्सपेंस। तो जैसे कोई भी बॉडी का हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके हर एक डायमेंशन में जो है, जैसे लेंथ हो गया, एरिया हो गया या वॉल्यूम हो गया, उसमें चेंजेस आएगा। अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो वो बढ़ जाएगा। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, एक्सपेंशन किसका, उस बॉडी का। क्यों बॉडी में चेंजेस आता है, तो इसके डीप एनालिसिस है, बट अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं जस्ट रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग उसी पे रहेंगे। तो कॉफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कैसे हम लोग दिखाएंगे, कॉफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इस टॉपिक से रिलेटेड जो है आपको जे मेन क्वेश्चन पूछ चुकी है और पूछती है नॉर्मली। तो कॉफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो डिफाइन होता है, दिस इज चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ को हम लोग फ्रैक्शनल चेंज करते हैं, तो यहां से आप निकाल सकते हैं दिस फाइनल लेंथ विल बी इनिशियल लेंथ इनटू 1 प्लस ऑफ अल्फा डेल्टा टी। सो दिस इज द डेल्टा टी हियर, यू कैन राइट डेल्टा टी एज इट इज चेंज इन टेम्परेचर, T2 माइनस T1, वेयर T1 इज योर इनिशियल टेम्परेचर, इट इज इनिशियल टेम्परेचर, एंड T2 इज योर फाइनल टेम्परेचर और द एक्सटेंडेड टेम्परेचर। इट मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन दैट डेल्टा टी इट इज। सो इट इज फाइनल टेम्परेचर। सो दिस लेंथ इज एल इज एट दिस टेम्परेचर T2 एंड T1 वी आर हैविंग इनिशियल लेंथ। दिस अल्फा इज कॉल्ड कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सो वेन एवर वी हैव दिस काइंड ऑफ रिलेशन, यू कैन रिलेट दैट वन we change the temperature of conductor, this is body it is, in that case length will increase or decrease depending upon the temperature. If we increase the temperature it will increase, if we decrease it will contract over there. So that is the thing you can have in thermal expansion. तो जब भी thermal expansion में ये coefficient of linear आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे this is for one dimensional only, this is for rod kind of things. जब भी रड रहेगा आपको तो उसमें हम लोग इसको यूज करेंगे, लेकिन कभी कभी होगा कि टू डायमेंशनल बॉडी दे दिया जाएगा आपको। तो अगर टू डायमेंशनल बॉडी होगा तो उस केस में हम लोग कैसे लिखेंगे, इट इज कॉफिशियंट ऑफ सुपरफिशियल, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कॉफिशियंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन इज गिवन बाय। इस केस में अगर हम देखते हैं सेम चीज, जहां पे हमने अल्फा लिखा है यहाँ पे बीटा हो जाएगा, और जहां पे हमने चेंज इन लेंथ को लिखा है यहाँ पे चेंज इन एरिया हो जाएगा। क्यों एरिया होगा, क्योंकि सुपरफिशियल हम बात कर रहे हैं, तो इसमें टू डायमेंशनल बॉडी होगा, उसका लेंथ भी बढ़ेगा और विड्थ भी बढ़ेगा, तो इसके कारण से उसके एरिया में जो चेंजेस आएंगे दैट इज चेंज इन एरिया डेल्टा ए डिवाइडेड बाय द इनिशियल एरिया एंड देन वी हैव चेंज इन टेम्परेचर। सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट दैट वॉट विल बी द न्यू एरिया और द एरिया एट ए डिफरेंट एट ए फाइनल टेम्परेचर, दैट एरिया यू कैन राइट लाइक दिस इज इनिशियल एरिया दैट आई एम राइटिंग हियर ए नॉट, सो दिस इज द इनिशियल एरिया, देन 1 प्लस ऑफ बीटा टाइम्स डेल्टा टी, दिस इज द एरिया एट टेम्परेचर वेयर डेल्टा टी इज द सेम वॉट वी हैव डिस्कस हियर, इट इज T2 माइनस T1 एंड बीटा इज coefficient of superficial expansion, this is representing for the
टू डायमेंशनल बॉडी। सो जब भी दो डायमेंशनल बॉडी होगा, टू डायमेंशनल होगा मीन्स जिसमें भी आप एरिया निकाल सकते हैं, जैसे प्लेट हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, या डिस्क हो गया, या कुछ भी इस तरह का जिसको लैमिनर फॉर्मेट हम बोलेंगे, उस टाइप के केस में जब भी आप एरिया निकाल सकते हैं तो उस केस में हम लोग कॉफिशियंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन को ही यूज करेंगे। ठीक है, ओके। देन वी हैव द थर्ड वन, दैट इट इज कॉफिशियंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। कॉफिशियंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, तो जब भी हम क्यूबिकल एक्सपेंशन की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि इस केस में हमें बी गामा को लिखना होगा, और ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा थ्री डायमेंशनल बॉडी के लिए। तो दिस इज चेंज इन वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो जब भी बॉडी का अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कराया जाएगा तो इसके हर एक डायमेंशन में, लेंथ में, एरिया में, वॉल्यूम में इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। और उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे जो न्यू वॉल्यूम होगा इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज इनिशियल वॉल्यूम वन प्लस ऑफ गामा टाइम्स डेल्टा टी। यहां से ये जो वॉल्यूम आपको आ रहा है, दिस इज द वॉल्यूम एट टी टू टेम्परेचर, एंड डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी हो गया आपको टी टू माइनस ऑफ टी वन। वी नॉट क्या है, वी नॉट इज योर इनिशियल वॉल्यूम और वॉल्यूम एट टी वन, वॉल्यूम एट टी वन, और वी जो वी है ये है वॉल्यूम एट टी, वॉल्यूम एट सॉरी टी टू। सो दिस इज वॉल्यूम एट टी वन एंड दिस इज वॉल्यूम एट टी टू। तो ये आपका जो वॉल्यूम है ये है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे इसमें टी टू पे ले जाएंगे उस केस का वॉल्यूम है। ठीक है, अब जब भी वॉल्यूम को अगर हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसी फॉर्म के बेसिस पे हम लोग इसके डेंसिटी को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश फ्रॉम दिस वॉल्यूम रिलेशन, यू कैन सी हियर। वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज डेंसिटी, वी नो दैट इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को अगर लिखना हो तो मास बाय डेंसिटी, तो इट इज मास बाय डेंसिटी एट एट टेम्परेचर टी टू, दिस इज द थिंग। और जो मास आपका है वो चेंज नहीं करेगा, डेंसिटी एट इनिशियल इनिशियल टेम्परेचर, दिस इज रो नॉट आई हैव रिटन हियर, एंड देन वन प्लस ऑफ गामा डेल्टा टी। तो इसके बेसिस पे अगर आप देखें तो ये कट जाएगा एम यहाँ पे, और जो डेंसिटी का रिलेशन आप देख पा रहे हैं ये आ जाएगा आपको, डेंसिटी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू वन माइनस ऑफ गामा डेल्टा टी। तो ये एक ऐसा रिलेशन आया है जो आपको अभी तक के सारे रिलेशन से थोड़ा सा चेंज आया है, क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं होकर के माइनस हो रहा है। तो डेंसिटी के बारे में ये चीज कहा जाएगा कि वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो उस केस में हम जानते हैं कि डेंसिटी इनवर्स रेशियो होता है, तो डेंसिटी घटेगा। तो दैट इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर। सो डेंसिटी रिलेशन, क्यूबिकल वॉल्यूम रिलेशन, देन वी हैव गामा रिलेशन, एंड देन वी हैव दिस एरिया रिलेशन एक्सपेंशन के केस में, सुपरफिशियल कॉफिशियंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, देन वी हैव अल्फा रिलेशन एंड द लेंथ रिलेशन। ये एक्सपेंशन होगा आपको वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल इट इज। जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे किसी बॉडी का तो उसमें इस तरह के एक्सपेंशन आएंगे, और इस तरह के रिलेशन को आपको रिलेट करना होगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एप्लीकेशन में हम लोग देखेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी अल्फा बीटा और गामा को अगर रिलेट करने के लिए बोला जाए तो वी कैन हैव वन रिलेशन हियर इट इज, यू कैन राइट वी हैव दैट गामा इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ अल्फा, दिस इज वन रिलेशन, बीटा इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ अल्फा। सो वी कैन रिलेट ऑन द बेसिस ऑफ दैट अल्फा बाय वन इज इक्वल टू बीटा बाय टू इज इक्वल टू गामा बाय थ्री। सो गामा को बीटा से अगर रिलेट करना हो तो हाउ वी कैन रिलेट, सो दिस इज द रिलेशन अल्फा बीटा गामा, एक ये यहाँ पे। तो अगर हमें गामा को रिलेट करना हो तो गामा को हम लोग इन दोनों को रिलेट करके लिख सकते हैं, यहाँ पे गामा क्या हो जाएगा, दिस इज थ्री बाय टू टाइम्स ऑफ बीटा। सो दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यू कैन हैव द रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा एंड दिस इज अल्फा बीटा गामा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट, और इसमें कभी कभी क्वेश्चंस में आपको पूछे जाते हैं कि फ्रैक्शनल चेंज क्या होगा, फ्रैक्शनल चेंज। तो फ्रैक्शनल चेंज अगर हमें पूछा लेंथ में, फ्रैक्शनल चेंज चेंज इन लेंथ, इन लेंथ अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्रैक्शनल चेंज का मतलब है जो चेंज हुआ है, दैट इज डेल्टा एल, डेल्टा एल
डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल चेंज। तो डेल्टा एल बाय इनिशियल लेंथ को अगर आप इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड टेम्परेचर लिखना चाहें तो यू कैन सी डेल्टा एल बाय एल इज अल्फा डेल्टा टी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फा डेल्टा टी, और इसी कंसेप्ट पे बेस्ड जो है 2020 में आपको जेई मेन क्वेश्चन पूछी है, जो आपको लेंथ के बारे में कोई चर्चा नहीं है उसमें, बट अल्फा इज गिवन ओवर देयर कि जो कंडक्टर जो रड है आपको मेटल रड, उसका अल्फा वैल्यू दिया हुआ है, और जो टेम्परेचर चेंज क्या दे रहा है, तो डायरेक्ट पूछा गया कि फ्रैक्शनल चेंज या परसेंटेज चेंज उसमें क्या होगा। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट यू हैव टू रिमेम्बर, एंड इफ इट इज आस्क यू दैट परसेंटेज चेंज इन लेंथ, परसेंटेज चेंज इन लेंथ, इन दैट केस व्हाट वी विल डू हियर इट इज, तो जो फ्रैक्शनल चेंज हो रहा है उस फ्रैक्शनल चेंज को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट विल बी इट इज परसेंटेज चेंज। सो डेल्टा एल डी बाय एल नॉट इन टू 100 इफ आई डू इट विल बी परसेंटेज चेंज। सो दिस वी कैन राइट हियर इट इज अल्फा डेल्टा टी टाइम्स ऑफ 100, तो दिस विल बी परसेंटेज चेंज। हियर आई हैव रिटन फॉर लेंथ ओनली, यू कैन राइट दिस फॉर वॉल्यूमेट्रिक ऑल्सो, दिस फॉर सुपरफिशियल ऑल्सो, लाइक एरिया वाइज में भी अगर हमें निकालना हो तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, और वॉल्यूम वाइज में भी इस तरह से निकालना हो तो हम लोग इसको इसी फॉर्मूले पे यूज करेंगे। जब भी फ्रैक्शनल चेंज बोला जाएगा और परसेंटेज चेंज बोला जाएगा तो इसी तरह का हम लोग फॉर्म को यूज करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये चीज जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कैलोरीमेट्री, नेक्स्ट वी हैव कैलोरीमेट्री। सो कैलोरीमेट्री जो है ये एक अलग टॉपिक है, और इस चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे देखते हैं कैलोरीमेट्री में, बट एक चीज याद रखेंगे कैलोरीमेट्री जो है इसमें आपको मेनली समझना है स्पेसिफिक हीट और मोलर हीट कैपेसिटी को, और इसमें किस तरह से हीट फॉर्म को हम लोग लिखेंगे, और लेटेंट हीट क्या होता है, और इसमें एनर्जी कंजर्वेशन आप कैसे लगाओगे, और कुछ एप्लीकेशन होगा जिसको हम लोग देखते हैं। सो दिस इज कैलोरीमेट्री टॉपिक। सो नेक्स्ट वी हैव कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री इसमें सबसे पहला जो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आना चाहिए वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसी को हम लोग बोलेंगे ग्राम स्पेसिफिक हीट। दिस इज इसको अगर हम एस से डिनोट करें तो ये एक तरह से आपको 1 ग्राम मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सी से चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत होगी उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। बाय डिफिनेशन वी वोंट गो फॉर द डिफिनेशन, जस्ट रिवीजन पॉइंट ऑफ ओनली वी आर राइटिंग हियर। सो दिस इज क्यू डिवाइडेड बाय एम इनटू डेल्टा थीटा और डेल्टा टी, हियर यू कैन राइट डेल्टा टी आई एम राइटिंग। सो एम इज द मास इन ग्राम and Q is the amount of heat required. So this specific heat को अगर define करना होगा तो अगर हमें जितना heat चाहिए 1 ग्राम 1 डिग्री सी से, तो जो heat चाहिए वही आपका specific heat हो जाएगा। तो it is calorie per gram degree C is the CGS unit of this specific heat. अब specific heat को अगर हम molar heat capacity use करेंगे तो उस केस में क्या करना होगा, जहां पे mass को use किया गया है वहां पे इसमें आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ मोल को चेंज करना होगा। तो मोलर हीट कैपेसिटी है क्या, मोलर हीट कैपेसिटी को हम कैपिटल सी से डिनोट कर रहे हैं, और मोलर हीट कैपेसिटी का डिफिनेशन ये है इट इज मोलर मास, सो इट इज मोलर मास कैपिटल एम इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, specific heat capacity. So this is what you can say it is called molar heat capacity. तो अगर हम specific heat capacity molar mass को m को s से multiply कर दें तो ये आपका molar mass हो गया। अब इसमें हम ये जान रहे हैं कि जो specific heat है इस relation से हम लोग ये चीज लिख सकते हैं इसको, तो s को हम लोग लिख सकते हैं, so it is m, और specific heat को q divided by m into delta T. Delta T is the change in temperature, that is final temperature minus initial temperature.
यहाँ पे जो है आपको जो मोलर मास बाय यहाँ पे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल आ रहा है, दिस इज कॉल्ड, हियर इट इज नंबर ऑफ मोल. सो वी कैन राइट दिस इज टू बी क्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल इनटू डेल्टा टी. तो जब भी नंबर ऑफ मोल को यूज करेंगे तो वो जो हीट कैपेसिटी होगा उसको हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी बोलेंगे. तो डायरेक्ट हम इस फॉर्म को यूज करेंगे, दिस इज क्यू डिवाइडेड बाय एन टाइम्स ऑफ डेल्टा टी. और हीट निकालने के लिए आपके पास जहाँ पे जो एन है, नंबर ऑफ मोल है, इसको हम लोग बोलेंगे एम बाय कैपिटल एम, मास बाय मोलर मास, ये जो है आपका नंबर ऑफ मोल्स हो गया. तो हीट कैपेसिटी जो है एक तरह से प्रोडक्ट ऑफ मास और स्पेसिफिक हीट को बोलेंगे. और इन जनरल हीट को लिखने के लिए आपके पास दो तरीका हो गया. जब भी टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा कोई भी एम मास के सब्सटेंस को, तो उसमें उसको लिखने का जो तरीका होगा, हीट को लिखने का जो तरीका होगा वो एक हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी के टर्म में, तो इसको हम लोग यूज करेंगे, सॉरी स्पेसिफिक हीट के टर्म में एम एस डेल्टा टी. दिस इज वन फॉर्म वी हैव टू राइट द हीट व्हेन द टेम्परेचर इज गेटिंग चेंज. और दूसरा फॉर्म है लिखने का वो है नंबर ऑफ मोल के टर्म में. तो स्पेसिफिक हीट के जगह पे यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी को यूज करेंगे और डेल्टा टी. दोनों में एक ही अंतर है कि जब आप एम को यूज कर रहे हो तो स्पेसिफिक हीट होगा, जब आप नंबर ऑफ मोल को यूज कर रहे हो तो मोलर हीट कैपेसिटी होगा. ओनली यही डिफरेंस है. और हीट को लिखने के लिए दोनों ही फॉर्म यूज होगा. जब भी टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज जब भी होगा तो हम इसी को यूज करेंगे. क्लियर. नेक्स्ट वी हैव स्पेसिफिक लेटेंट हीट. तो लेटेंट हीट तो तब यूज किया जाएगा जिस समय टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आएगा. तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट. तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट में सबसे पहले हमारे पास जो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा 0 डिग्री. ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है क्यू इन ये हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय जितना मास का आपको वहां पे फ्यूजन करना है. दैट इज, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है कि जब 0 डिग्री सी आइस है आपके पास और इसको आप ले जाओगे 0 डिग्री सी पे ही, बट यहाँ पे फेज चेंज करा दिए, तो इसमें कितना हीट आपका लेटेंट हीट जो है चाहिए इसमें, या लेटेंट हीट कितना होगा, यानी कि आइस जो है यहाँ पे जो हीट गेन कर रहा है, यहाँ आइस जो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, जो फेज चेंज हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, यहाँ पे इसका फिजिकल चेंज हो रहा है जो आइस से, यानी कि इसका एक तरह से कह सकते हैं कि फेज चेंज हो जाना. तो फेज चेंज तभी होगा जब टेम्परेचर सेम होगा, और हम तभी लेटेंट हीट को ही यूज करेंगे जब टेम्परेचर सेम होगा. तो एक बार फेज चेंज होगा आइस से वाटर में, दूसरे बार होगा वाटर टू वेपोराइजेशन केस में. तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जब भी यूज करेंगे तो ये जो Q है ये हीट है और M जो है ये मास. और जब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को यूज करेंगे तो सेम फॉर्मेट यूज होगा, उसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इस केस में इसको LV से डिनोट करेंगे, एंड दिस इज आल्सो Q बाय M ओनली. और ये केस तब होगा जब जिस केस में आपके पास जो है वाटर है और वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सी है और इसको हम लोग कन्वर्ट करके ले जा रहे हैं, वेपर बना रहे हैं, और वेपर का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सी ही है, यानी टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं है बट फेज चेंज हो गया, वाटर से वेपर चला गया. तो यहाँ पे जो है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज होगा और यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज होगा. दैट इज द थिंग, वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर ओनली. सो जब भी हम आइस के लिए यूज करेंगे तो आपको आइस का जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, और जो लेटेंट वाटर के लिए जो है ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है ये 540 कैलोरी पर ग्राम होता है. तो ये सब क्वेश्चन में या जो पूछा जाएगा आपको उसमें इन्फॉर्मेशन गिवन होगा, ये चीज आपको याद नहीं रखना. बट फॉर वाटर एटलीस्ट यू हैव टू रिमेम्बर समटाइम्स, इफ इट इज नॉट गिवन देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व. तो लेटेंट हीट फ्यूजन जो है 80 कैलोरी पर ग्राम है, और जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो 540 जो है वो आपको कैलोरी पर ग्राम है, ये चीज आपको ध्यान रखना है.
अब इसका एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन खास है, इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख ले, जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं जेई मेन। एप्लीकेशन क्या है कैलोरीमेट्रिक, तो कभी कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला टाइप क्वेश्चन कि टू कन्वर्ट एम मास, एम ग्राम दिया हुआ रहेगा, एम मास ऑफ आइस एट 0 डिग्री C इंटू स्टीम एट 100 डिग्री C, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड क्या होगा, क्या होगा। तो आप समझिए कि 0 डिग्री C पहले क्या था, आइस, फिर वाटर बनेगा, फिर वाटर 0 डिग्री C से 100 डिग्री C वाटर आएगा, फिर 100 डिग्री C वाटर से 100 डिग्री C स्टीम जाएगा, यानी 2 बार लेटेंट हीट यूज होगा और 1 बार टेम्परेचर चेंज यूज होगा। तो जो हमें अमाउंट ऑफ हीट चाहिए वो डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे। जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, पहले क्या चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला है चाहिए आपको, सॉरी, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला जो हीट यूज करेंगे उसमें एम इंटू एल एफ यूज करेंगे। एल एफ यहाँ पे 80 है, तो 80 जो है आपको, और फिर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज फॉर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देन टेम्परेचर चेंज हो रहा है कितना, 0 डिग्री से 100 डिग्री C, सॉरी, वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री C से 100 डिग्री C जाएगा। तो इस केस में MSD थीटा यूज होगा, डेल्टा टी यूज होगा, तो S जो है वाटर के लिए 1 यूज होगा, तो यहाँ पे आपका हो गया M टाइम्स ऑफ 100, सो इट इज 100 M, M टाइम्स ऑफ M इंटू, यू कैन राइट ओवर हियर, इट इज M टाइम्स ऑफ 1 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, इट इज 100, सो दिस इज MSD थीटा, दिस इज M इंटू LF, एंड देन वी हैव M इंटू LV, LV कितना होता है, इट इज 540, तो M इंटू 540। तो इस तरह से इतना हीट चाहिए आपको एम मास के आइस को 0 डिग्री C से 100 डिग्री C स्टीम बनाने के लिए, आपको 7, दिस इज 100, 540 एंड 80, इफ यू एड हियर इट इज 180 एंड 540, इट विल बी 720, सो इट इज 720 M कैलोरी अमाउंट चाहिए चाहिए। दूसरा फॉर्मेट क्या है कि दूसरा फॉर्मेट, ये तो पहला फॉर्मेट है जिसमें इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा गया है, दिस इज वेरी इजी काइंड ऑफ क्वेश्चन। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल बी आस्क्ड दैट टू लिक्विड्स हैविंग मासेस M1, M2 एंड स्पेसिफिक हीट S1 एंड S2 एंड टेम्परेचर इट इज गिवन टू यू T1 एंड T2 आर मिक्स्ड। अब यहां पे मिक्स जैसे ही होगा, M1 है उसका स्पेसिफिक हीट S1 है, उसका टेम्परेचर T1 है, M2 है उसका स्पेसिफिक हीट S2 है, और T2 टेम्परेचर है, इसको मिक्स करेंगे। तो इस केस में जैसे ही इसको मिक्स करेंगे, तो इस केस में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखना है कि कोई फेज चेंज नहीं हो रहा है। इफ देयर इज नो एनी चेंज इन फेज, इफ देयर इज नो चेंज इन स्टेट ड्यूरिंग मिक्सिंग, ये चीज ध्यान रखना है कि मिक्सिंग जब भी आप कर रहे हैं उसमें स्टेट में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, तो देन रिजल्टिंग टेम्परेचर क्या होगा, रिजल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर दिस विल बी, रिजल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, टी मिक्सचर विल बी, दिस विल बी, वी हैव M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2, इस तरह से अगर तीसरा होगा तो उसको भी ऐसे ही ऐड करेंगे, M3 S3 T3, लाइकवाइज इफ इट इज टू ओनली, आई हैव कंसीडर टू ओनली, देन हियर वी हैव M1 S1 प्लस M2 S2, इसको यूज करें। अब इसमें एक चीज और है कि अगर हम स्पेशल केस ले रहे हैं कि इफ M1 S1 का जो वैल्यू आ रहा है, ये अगर आपका M2 S2 के वैल्यू के बराबर हो जाए, तो इस केस में आप देखिए M1 S1 यहाँ से, M1 S1 यहाँ से, और नीचे में M1 S1 2 बार होगा, तो ये नीचे में 2 होगा और कट जाएगा M1 S1,
तो जो फाइनल टेम्परेचर आएगा आपको टी मिक्सचर जो होगा दिस विल बी सिंपली वी कैन राइट इट इज टी वन प्लस टी टू बाय टू। तो ये तो तब होगा, ये तो स्पेशल केस हो गया कि जिस समय एम वन एस वन बराबर होगा एम टू एस टू के उस समय हम इसको यूज करेंगे, अदरवाइज कर ही नहीं सकते हम। ये हो गया। अब ये तो था कि टेम्परेचर मिक्सचर का क्या होगा, कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ देगा कि बताओ स्पेसिफिक हीट क्या होगा मिक्सचर का। तो स्पेसिफिक हीट अगर मिक्सचर का हमें निकालना है तो हम लोग उसको यूज करेंगे, किसको, एम वन एस वन प्लस एम टू एस टू प्लस, इस तरह से और भी होगा तो और भी ऐड करते चले जाएंगे, दैट इज डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, दैट्स इट। तो इस तरह से ये जो आपको आएगा ये आ जाएगा। सो दो तरह का इसमें कंसेप्ट पूछा जा सकता है, एक तो टेम्परेचर मिक्सचर का क्या होगा और एक स्पेसिफिक हीट जो है मिक्सचर का वो क्या होगा, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। अब जो तीसरा फॉर्मेट है कैलोरीमेट्री में, तो पहला फॉर्मेट आपने देख लिया, दूसरा फॉर्मेट यही है टी मिक्सर पूछा जाएगा या एस मिक्सर पूछा जाएगा। तीसरा फॉर्मेट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और बार बार कभी कभी फंस जाते हैं बच्चे इसमें, कि अगर आपको ये बोल दिया जाए कि डब्ल्यू ग्राम जो है हमने आइस का ले लिया, तो डब्ल्यू ग्राम सॉरी डब्ल्यू ग्राम ऑफ वाटर, डब्ल्यू ग्राम ऑफ वाटर का हमने मिक्स किया एट टी डिग्री सी, यानी कि ये वाटर का आपको मास दिया हुआ है और वाटर का टेम्परेचर दिया गया है और इसको मिक्स की टी डिग्री सी इज मिक्स्ड किसके साथ भाई, इज मिक्स्ड विथ एम ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सी। बस हो गया, यही क्वेश्चन रहेगा। अब आपको पूछ देगा कि बताओ पूरा आइस मेल्ट हुआ कि नहीं हुआ, अगर पूरा आइस मेल्ट हुआ तो फाइनल टेम्परेचर, इसमें कितने बच्चे को लटका दिया गया, फंसाया गया है, जे मेन जे एडवांस सब पूछा हुआ क्वेश्चन है इसमें, पुराना क्वेश्चन। तो लेट्स सी हाउ यू कैन डू दिस वन। फर्स्ट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो वेट ऑफ जो वाटर का वेट दिया हुआ है उसमें, और यहाँ पे टी टेम्परेचर है, यहाँ 0 डिग्री सी, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है वो टी डिग्री हो रहा है, तो यहाँ से वेट को अगर हम लोग इस तरह से एक रेशियो को निकाल ले, दिस इज ए टी एम, दिस इज वॉट जो लेटेंट हीट है आपको, एंड डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। वाटर के लिए हम लोग स्पेसिफिक हीट जान रहे हैं 1 होता है, तो यहाँ से अगर डब्ल्यू का वैल्यू ये आ रहा है आपको ए टी एम बाई टी, अगर ऐसा आ रहा है, अगर ऐसा आ रहा है कि ए टी एम बाई टी कर रहे हैं वो डब्ल्यू के बराबर आ जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं आंख मूंद करके कि होल आइस मेल्ट, होल ऑफ आइस मेल्ट, और जैसे ही होल ऑफ आइस मेल्ट हो गया तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो हो जाएगा 0 डिग्री सी। दूसरा, अब तो एक ही पॉसिबिलिटी आपने देखा कि जब डब्ल्यू बराबर ए टी एम बाई टी हो जाए तो उस केस में ये होगा, ये आंख मूंद करके हम बोल देंगे, लेकिन जब कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो पहला केस कम वाला देखते हैं, जब डब्ल्यू का वैल्यू आपको ए टी एम बाय टी से कम हो जाए। ए टी एम बाय टी क्या है, तो ए टी एम तो हीट ऑफ फ्यूजन है आपको, और उसमें टेम्परेचर यहाँ पे स्पेसिफिक हीट 1 है, तो इससे अगर डब्ल्यू से कम हो जाए ये वैल्यू अगर कम हो जाए, सॉरी डब्ल्यू कम हो जाए ए टी एम बाय टी से, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा आइस मेल्ट नहीं हुआ है, होल ऑफ आइस विल नॉट मेल्ट। तो वह क्या, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, तो फाइनल होल ऑफ आइस इज नॉट मेल्ट हियर, सो आइस का टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, फाइनल टेम्परेचर जो होगा पूरा आइस मेल्ट नहीं होने से यहाँ फाइनल टेम्परेचर आपका वही रहेगा जो हमने प्रीवियस केस में लिखा है, एंड दैट इज 0 डिग्री सी। अब इसमें ये पूछा जा सकता है कि बताओ अमाउंट ऑफ आइस कितना मेल्ट हुआ है, तो अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट के लिए हम लोग इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे, तो यहाँ पे कितना अमाउंट आइस का मेल्ट हुआ है, अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट कितना हुआ, अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड ये बताओ कितना होगा। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये एम डैश है और एम डैश का वैल्यू वही होगा, दिस इज डब्ल्यू टी डिवाइडेड बाय ए टी, ए टी एम के बराबर होना चाहिए डब्ल्यू टी, दोनों ये एक हीट लॉस करेगा दूसरा हीट गेन करेगा, तो यहाँ पे ये अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट हो चुके हैं, तो अमाउंट ऑफ आइस लेफ्ट कितना होगा, तो अमाउंट ऑफ आइस लेफ्ट कितना होगा इसको निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे अमाउंट ऑफ आइस लेफ्ट, लेफ्ट कितना होगा
तो इसको हम लोग यूज कर लेंगे। अमाउंट ऑफ आइस कितना था शुरू में, तो शुरू में एम ग्राम को लिया गया था, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जितना मेल्ट हुआ है और जितना था उसमें से इतना आपका बच गया है, एम माइनस ऑफ एम डैश। सो इस टाइप के कंसेप्ट से रिलेटेड जे एडवांस में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, जे मेन में भी पूछा गया है। सो दिस वन इज गुड काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन हैव। तीसरा पार्ट इसमें है कि जो वेट डब्ल्यू का वैल्यू है, यानी कि जो वाटर को आप मिक्स कर रहे हैं 30 डिग्री C पे, तो इसका वैल्यू अगर ग्रेटर हो जाए 80 m/t से, 80 m/t से अगर ग्रेटर हो जाए तो क्या करेंगे। तो इसमें पूरा का पूरा आपका क्या हुआ है, आइस मेल्ट हो चुका है और फाइनल टेम्परेचर क्या होगा इसको हम लोग निकालेंगे। सो होल आइस, होल ऑफ आइस मेल्ट्स मेल्ट्स, और इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि फाइनल टेम्परेचर जो होगा, दैट फाइनल टेम्परेचर दिस विल बी, फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, दिस विल बी लाइक जो टेम्परेचर कंसेप्ट हम लोग पढ़ रखे हैं, तो यहाँ पे एक का है डब्ल्यू टी जो आपका हीट लॉस है, माइनस हीट इसके कारण से जो फ्यूजन के कारण से हो रहा है 80 m डिवाइडेड बाय जो मास है टोटल, तो टोटल मास कितना है डब्ल्यू प्लस ऑफ एम, तो ये हो गया आपका दिस वन। और ये जो भी वैल्यू आएगा दिस विल बी ग्रेटर देन 0 डिग्री C, दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 0 डिग्री C। सो डब्ल्यू टी माइनस 80 m बाय डब्ल्यू प्लस एम, इसको यूज करेंगे फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए। और कभी कभी फाइनल टेम्परेचर क्वेश्चन में पूछा जाता है, या अमाउंट ऑफ आइस कितना लेफ्ट है वो पूछा जाता है, या कितना मेल्ट हुआ है वो पूछा जाता है। यही तीन क्वेश्चन आपको मेजर है जो डिफिकल्ट लेवल को बढ़ाता है। तो इस कैलोरीमेट्री में हम लोग सारे कंसेप्ट को देख चुके हैं, इसी टाइप का एप्लीकेशन या क्वेश्चन आपको आएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप अगर कर लेते हैं, तो ये कवर हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे उसमें हीट का जो ट्रांसफर होता है, जिसमें मेनली आपको कंडक्शन और कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन के बारे में पढ़ना है। कन्वेक्शन इज नॉट दैट मच डीपर इन आवर सिलेबस, तो जो कंडक्शन और रेडिएशन है इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन के टाइप हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो आई होप कि ये रिवीजन आपको समझ में आया होगा, जिसमें हम ये चीज दो कंसेप्ट को हमने डिस्कस किया मेनली, एक तो जो थर्मल एक्सपेंशन है अल्फा बीटा गामा और मोलर हीट कैपेसिटी, दूसरा जो है कैलोरीमेट्री, और कैलोरीमेट्री में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं दैट यू कैन सी हियर इट इज। थैंक यू।